नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ थर्ड। देखिए यहां भी क्या दिया हुआ है, हमें 8/12 इक्वल टू 37 दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, और उसमें ए फर्स्ट टर्म पता करना है और 12th टर्म तक का सम पता करना है, और सीरीज हमारे क्या है, एपी सीरीज है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, ए फर्स्ट टर्म हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एस 12 यानी 12 टर्म तक का सम ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है हमारे पास, डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। अब देखिए एक वैल्यू और दिया हुआ है, ए 12 इक्वल टू 37, यानी इसका मतलब यह है, ए 12 इक्वल टू 37 का मतलब यह है कि जो इसका सीरीज में लास्ट टर्म है वह क्या है, लास्ट टर्म दैट इज एल इक्वल टू वैल्यू कितना है, 37 है। और इसी से एक इंफॉर्मेशन यह भी निकल रहा है कि इस सीरीज में कुल टर्मों की संख्या यानी एन नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी है, 12 है। नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी है, 12 है, क्योंकि 8/12 दिया हुआ है। तो अब काफी सिंप्लीफाई हो गया है, तो इसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन के लिए हम किसको टर्म को अप्लाई करते हैं, ए 12th टर्म के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 12th का वैल्यू कितना है, 37, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है इसलिए ए प्लस, और चूंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है हमारे पास, 12 या 12th टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए 12 माइनस वन, और डी, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। तो अब आइए 37 इक्वल टू ए प्लस, अब क्या हो गया, 11 या 11 33, इसलिए ए इक्वल टू 37 में से 33 क्या है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 37 माइनस 33 यानी 4, यानी एक आंसर आया कि जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है, 4 है। इसी तरह से अब हम सम कर निकालते हैं 12th टर्म तक, तो एस एन इक्वल टू, फिर हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, क्योंकि यहां से हमने पता कर लिया है, इंटरप्रेट किया है कि ए 12th इक्वल टू 37, दैट मीन्स जो 37 है लास्ट टर्म का वैल्यू है, तो एन नंबर ऑफ टर्म समय 12 ज्ञात है बटा 2, फर्स्ट टर्म अभी अभी हमने निकाला 4 प्लस एल, लास्ट टर्म कितना है, 37, यानी 2 × 6 = 12, 6 + 37 और 4 = 41, 6 × 6 = 24, यह हमारा सेकंड आंसर है। इसलिए कह सकते हैं आप, हेंस ए इक्वल टू 4 और एस 12 इक्वल टू 246, यह हमारा फाइनल आंसर बनता है।